कि इंटरेस्ट और डिविडेंड में फर्क क्या होता है, ये समझते हैं। देखिए, इंटरेस्ट आपको कब मिलता है? जब आपका पैसा पड़ा होता है कहाँ पर, सेविंग अकाउंट में या फिर एफडी में या फिर डिबेंचर्स में, उस पर आपको इंटरेस्ट मिलता है। जबकि आपको डिविडेंड कब मिलता है? जब आप इन्वेस्टमेंट करते हैं शेयर्स में। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है? अगर मैं सबसे बड़े डिफरेंस की बात करूँ तो ये है कि अगर मान लीजिए आपने एफडी में पैसा डाला और आपको कमिट किया गया है कि 7% इंटरेस्ट आपको ईयरली मिलेगा, तो हर साल आपको 7% का इंटरेस्ट मिलेगा। लेकिन जब आप शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपको कोई कमिटमेंट नहीं होती। इसका मतलब क्या होता है? मान लीजिए कोई एक अच्छा सा शेयर है जो कि 100 रुपये का, अगर वो हर साल 20 रुपये का डिविडेंड देता है, आपने ये सोच के उसमें इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि अगले साल भी वो 20 रुपये का डिविडेंड देगा। ये उसके मैनेजमेंट डिसीजन पर और प्रॉफिटेबिलिटी पर डिपेंड करता है कि वो कितना डिविडेंड देगा। हो सकता है अगले साल वो 100 रुपये का डिविडेंड दे दे, या फिर हो सकता है 1 रुपये का भी डिविडेंड ना दे, हो सकता है 0 रुपये का डिविडेंड दे, बोले कि मैं तो नहीं दे सकता डिविडेंड, मुझे लॉस हुआ है। आइदर ऑफ द सिनेरियोस हो सकते हैं। फॉलो अस फॉर मोर। थैंक यू।